Chappelle Cut. फर्स्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं आज हम सीखेंगे कंपैरिजन में हाई एंड लो, ठीक है। पर्पल बलून इज हाई, येलो बलून इज लो, मतलब आपको देखना है ये दो बलून, तो पर्पल जो बलून है वो कहाँ है, थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, इसलिए उसको हाई बोलेंगे, और जो येलो बलून है वो थोड़ा नीचे है, उसको क्या बोलेंगे, लो। हाई मतलब ऊपर और लो मीन्स नीचे। जैसे ये एरोप्लेन है कहाँ है, ऊपर, हाई, और जो बस है वो कहाँ है, लो है। इसी तरह पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको जो हाई है उस पर एच और जो लो है उस पर एल लिखना है, ठीक है। तो हाई कौन सा बलून है आपके पास, ये है तो एच लिखेंगे, लो आने नीचे है तो इसमें एल लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप काइट देख रहे हैं, काइट कहाँ है, ये वाली हाई पे है इसलिए एच लिखेंगे, ये नीचे की साइड है इसलिए लो लिखेंगे। अब इस बर्ड में देखेंगे ये हाई है और ये लो है, ठीक है। अब हम सीखेंगे लॉन्ग एंड स्मॉल, ठीक है। लुक एट द ट्रेन एंड द वैन, हेयर ट्रेन इज लॉन्ग बट द वैन इज स्मॉल। जो ट्रेन होती है वो लंबी होती है, पर जो वैन है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसमें आपको लॉन्ग के लिए एल और स्मॉल के लिए एस लिखना है, ठीक है। पहले आप देखेंगे फिश है, ये वाली फिश क्या होती है, लॉन्ग होती है, ये वाली फिश स्मॉल, ठीक है। अब इसमें से बैट कौन सा लॉन्ग है और ये स्मॉल, इनमें से दोनों कौन से, ये लॉन्ग है और ये स्मॉल है, लॉन्ग मीन्स लंबा, स्मॉल मीन्स छोटा। इसमें ये क्या है, लॉन्ग है कि स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है और ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है इसलिए एल और ये स्मॉल है इसलिए एस। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गर देन शॉर्टर देन। लॉन्गर मतलब होता है जो चीज़ लंबी हो, ठीक है। शॉर्टर देन मतलब होता है जो थोड़ी छोटी हो। जैसे यहाँ पिक्चर में आपको पता चल रहा है जो रस्सी है, यू आर लॉन्गर देन मी, मतलब क्या होता है, रस्सी मुझसे थोड़ी बड़ी है। यू आर शॉर्टर देन मी मतलब तुम मुझसे छोटे हो, ठीक है। मतलब इस दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या बोल रहे हैं कि रस्सी बड़ी है और ये बेल्ट क्या है, छोटा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको बताना है इन दो में से कौन छोटा है और कौन लंबा है। तो जो नाइफ है वो लंबा है और जो सीज़र है वो क्या है, छोटी है। तो ये लिखा है सीज़र इज़ शॉर्टर देन नाइफ, मतलब कि जो सीज़र होती है वो छोटी है किसकी तुलना में, चाकू की तुलना में। और यहाँ नीचे लिखा है नाइफ इज़ लॉन्गर देन सीज़र, जो नाइफ है वो सीज़र की तुलना में क्या है, लंबा है, ठीक है। अब यहाँ लिजर्ड इज शॉर्टर देन स्नैक, जो लिजर्ड मतलब छिपकली जो होती है वो स्नैक की तुलना में क्या है, शॉर्ट है, छोटी है। और जो स्नैक है, जो स्नैक है वो लॉन्गर है किससे, लिजर्ड से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्ब है और पेंसिल है, तो कॉम्ब इज लॉन्गर देन पेंसिल, जो कंघा है वो पेंसिल की तुलना में क्या है, लंबा है। पेंसिल इज शॉर्टर देन कॉम्ब, जो पेंसिल है वो कंघे की तुलना में क्या है, छोटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैट और स्पून, स्पून इज शॉर्टर देन बैट, ठीक है। जो चम्मच है वो बैट की तुलना में छोटी है, बैट इज़ लॉन्गर देन स्पून, जो बैट है वो बड़ा है किसकी तुलना में, एक चम्मच की तुलना में, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, अब हम पढ़ेंगे टॉलर एंड शॉर्टर। राइट टी फॉर टॉलर एंड शॉर्ट फॉर एस फॉर शॉर्टर, वन हैज़ been done for you। जब जो पिक्चर्स में दिख रहा है जो टॉल है, जो लंबा है उसके लिए टी और जो शॉर्ट है उसके लिए एस लिखना है आपको। अभी ये नेक्स्ट पिक्चर है उसमें कौन सा ट्री आपको टॉलर दिख रहा है और कौन सा शॉर्टर दिख रहा है, ये टॉलर दिख रहा है तो टी, ये शॉर्टर दिख रहा है यानी एस। अब इनमें से कौन आपको लॉन्गर टॉलर दिख रहा है, टॉलर यानी लंबा कौन दिख रहा है, ये तो टॉलर के लिए टी और शॉर्टर के लिए एस, शॉर्ट मतलब छोटा। अब इन दोनों में से आपको टॉलर कौन दिख रहा है, ये, और शॉर्टर कौन दिख रहा है, ये। इन दोनों में से कौन दिख रहा है आपको लंबा और छोटा, लंबा ये दिख रहा है यानी टॉल ये दिख रहा है तो टी, शॉर्ट ये दिख रहा है तो एस।
इन दोनों पेंसिल में से टॉलर कौन है शॉर्टर कौन है? टॉलर शॉर्टर, टॉलर शॉर्टर, टॉल शॉर्टर एंड टॉलर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉल टॉलर एंड टॉलेस्ट। इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, टॉल मीन्स लंबा, ठीक है, टॉलर मीन्स थोड़ा और लंबा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। पिक्चर्स के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा, टॉल यानी थोड़ा सा लंबा, फिर टॉलर में इससे लंबा थोड़ा ये हो गया, फिर टॉलेस्ट में सबसे लंबा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मार्क टिक राइट फॉर टॉल, क्रॉस फॉर टॉलर एंड प्लस फॉर टॉलेस्ट। ठीक है, यानी तीनों के लिए आपको अलग अलग साइन लगाना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे टॉल कौन सा है, सबसे छोटा, यानी कि टॉल के लिए क्या लगाना था आपको, राइट, टॉलर मतलब उससे बड़ा, टॉलर के लिए क्रॉस, और सबसे लंबा टॉलेस्ट के लिए प्लस का साइन। ठीक है, अब इन तीनों में से देखेंगे टॉल कौन है, टॉल, फिर टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, इसके लिए टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे वाइड एंड नैरो, मतलब होता है इसका किसी वस्तु का मुंह चौड़ा, मतलब किसी वस्तु का चौड़ा होना, उसका कितना मुंह चौड़ा है और कितना सकड़ा है। ठीक है, मेजर यहाँ आप स्केल पे देख रहे हैं कि जैसे बाल्टी है, बाल्टी का मुंह कितना चौड़ा है और इस बोतल का कितना चौड़ा है, मतलब इसका जितना पतला होगा वो नैरो और जितना चौड़ा होगा वो वाइड। तो यहाँ पे क्या हमको राइट वाई राइट डब्ल्यू फॉर वाइड एंड एन फॉर नैरो, जिस बर्तन का मुंह चौड़ा है उसके लिए वाइड और जिसका कम चौड़ा है उसके लिए एन यानी नैरो। तो ये बर्तन को देखेंगे आप किसका मुंह चौड़ा है, इसका है, तो इसके लिए डब्ल्यू और इसका कम है इसलिए नैरो। ठीक है, इसका देखो और इसका देखो, ये वाइड और ये नैरो। अब इसको और इसकी तुलना करेंगे तो ये वाइड एंड नैरो, इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो ये वाइड और ये नैरो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे वाइड वाइडर वाइडेस्ट, मतलब किस वस्तु का कितनी चौड़ाई है, छोटी चौड़ाई, फिर उससे बड़ी चौड़ाई, फिर और सबसे बड़ी चौड़ाई। जैसे इसमें देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, फिर इससे बड़ी इसकी चौड़ाई है, फिर सबसे बड़ी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि टॉल कौन है, टॉल के लिए आपको क्या लगा, वाइड के लिए आपको क्या राइट लगाना है, वाइडर के लिए क्रॉस लगाना है, वाइडेस्ट के लिए प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, वाइड के लिए राइट, वाइडर के लिए क्रॉस और वाइडेस्ट के लिए प्लस का साइन। ठीक है, वाइड के लिए राइट, वाइडर के लिए क्रॉस और प्लस। मेजरमेंट ऑफ हेवियर लाइट, मतलब आपको मेज़र करना है कि कौन सा हल्का होता है और कौन सा भारी होता है। ठीक है, हेवियर यानी भारी और लाइटर मतलब हल्का। तो यहाँ देखेंगे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि चूहा जो होता है वो लाइटर होता है और ये हेवियर होता है। ये कुत्ता क्या है, हेवियर, उसका वजन भारी है। इनमें से आपको कछुआ दिखेगा लाइटर और टाइगर हेवियर दिखेंगे। इसमें बच्चे, दो बच्चे इधर हेवी होंगे और एक बच्चा इसलिए लाइटर होगा। ठीक है, ये हेवियर है और इधर लाइटर है क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है और इनका वजन कम होगा। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पढ़ेंगे हेवियर लाइटर टिक राइट द हेवियर ऑब्जेक्ट, आपको इनमें से जो भारी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको साइन लगाना है। इसमें दिख रहे हैं आपको इन दो में से सबसे वजन किसका ज़्यादा है, इसका, इसमें से किसका वजन ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, राइट, हैवी और लाइट आपको बताना है कि इनमें से हैवी कौन सा और लाइट कौन सा है। तो हैवी ये है तो हैवी, लाइट, इन दो में से हैवी कौन होगा, जो बड़ा है उसका वजन ज़्यादा होगा इसलिए हैवी, एल आई जी एस टी, लाइट। ठीक है, अब इनमें से बताना है पेंसिल हैवी होगी कि बुक हैवी होगी, बुक हैवी होगी और पेंसिल लाइट होगी। ठीक है, लाइट। अब इनमें से कौन हैवी होगा, ये हैवी होगा और ये लाइट। इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा ये चैप्टर कंपैरिजन ख़त्म होता है। आपको ये कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।